शॉपिंग करते समय पैसे बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटल पीस बना रहे, आप जिंदगी में कुछ तरक्की कर पाएं। Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है ज़ाहिद अख्तर और आज हम बात करेंगे कुछ गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, कुछ हैबिट्स के बारे में जिन पे हमें काम करना है अभी से। और ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं इसका सीधा सीधा असर दिखता है हमारे पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे परसोना के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जी, मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, चैनल पहली बार आए हैं, इस मुखड़े पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता हूं, पसंद आ जाता हूं, सब्सक्राइब करने का मन करता है तो वो घंटा भी दबा दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली मिस्टेक से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग करते हैं, बट जो लोग करते हैं, गाइज यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक। दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाना। और टांग भी कब अड़ाते हैं, जब हमें यही नहीं पता होता कि उन दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, चल क्या रहा है। हमें तो भैया बस बहती गंगा में हाथ धोना है और हमें ऐसा लगता है कि हम कूल डूड लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये करने से ना आपका इंप्रेशन ऐसे डाउन जा रहा होता है, ऐसे ऐसे खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। हमारी दूसरी मिस्टेक है, खुजली करते रहते हो, मतलब कहीं भी कभी भी, कभी बॉल्स को स्क्रैच करना, कभी आर्मपिट्स को खुजली करना, कभी नाक में खुजली करना, मतलब इतनी खुजली करना अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरीली बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक साउंड करते हो आप सामने वाले को, अगर वो आपसे कभी भी हाथ नहीं मिला रहा, कभी भी आपको हग नहीं कर रहा है, ये रीजन है। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है बैड ब्रेथ। कितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि फलाने को इम्प्रेस कैसे करें, कपड़े कैसे अच्छे पहने, कैसे हैंडसम लगे, अगर आप अपने ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो ना भाई साहब, बहुत दिक्कत आने वाली है। और ये एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि कल हमने मूली खाई थी, प्याज खाए थे, आलू के परौंठे खाए थे। भाई लोग, सब लोग खाते हैं, आप क्या गलती कर रहे हो। एक टंग क्लीनर आता है, उसका यूज करना डेली शुरू कर दो। जितने बारी भी ब्रश करते हो उसके बाद उस टंग स्क्रेपर से अपनी जो जबान है, जो बहुत ज्यादा चलती है, उसको साफ करना शुरू कर दो। एक बार यार करके देखना टंग क्लीन, 40-50 रुपए के आसपास का आता है, चाहे ऑनलाइन ले लेना चाहे ऑफलाइन ले लेना, टंग क्लीनर आता है, टंग स्क्रेपर के नाम से आता है। और एक महीना करके देखना, जो तुम्हें पुच्ची नहीं कर रहे थे वो तुम्हें पुच्ची भी करेंगे और तुम मेरे को आके बोलना कि भाई मजा आ गया। जोक्स अपार्ट, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर दो। और जो लोग ब्रश नहीं करते भाई, ब्रश करना शुरू कर दो। हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक, इसको जरा ध्यान से समझना, मैनस्केपिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूं। कहने को लौंडे बहुत हीरो बन रहे होते हैं, अरे तेरा भाई मर्द है, अरे तेरे भाई का बोकाल है। एंड व्हेन इट कम्स टू मैनस्केपिंग, टेक्निक ही गलत लगा रहे हो सर, उसके बाद कहते हो यार कि ये रैशेस, पिंपल्स और ये क्या क्या हो रहे हैं, आर्मपिट्स और अपने जेनिटल एरिया के, जब आप हेयर को रिमूव करने जाते हो, रेजर मत यूज करो यार, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इधर उधर हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और करना कैसे है, पूरी इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो चाहिए मैनस्केपिंग टेक्निक के ऊपर, आई बटन पे लिंक डाल रहा हूँ, पूरा डिटेल में समझाया था मैंने, शेव वर्सेस ट्रिम करके एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देख लेना। मिस्टेक नंबर 5 है एक्सेसिव ऑफ मास्टरबेशन। देखो, मास्टरबेशन करना कोई गलत नहीं है, हेल्दी होता है मास्टरबेशन करना, बट एक लिमिट के अंदर। एक दिन में एक बार ही कर लिया, हफ्ते में जिस दिन मन आया कर लिया, अभी डेली पता चला एक महीने का कोटा पूरा कर रहे हो, इंटरनेट पे देख लिया कि 49 इज द लिमिट, तो सोचा कि भाई 45 बार कर लें, ये सब नहीं करना यार। ये अभी नहीं समझ आ रहा आपको, अभी तो मजा आ रहा होगा, बट जब आप थोड़ा दूर का सोचोगे ना, इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके सेक्स लाइफ के ऊपर पड़ता है। ये जो आप अखबारों में पढ़ते हो ना, गुप्त रोग का इलाज, ब्ला 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 स्टफ, वो सब इसी के कारण हुआ होता है। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत आती है, कंसेंट्रेशन लेवल एकदम डाउन हो गया होता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, पूरे दिन एक ही चीज चल रही होती है। उसके अलावा मेन चीज, बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बॉडी को लगने चाहिए थे, जो आप खाना खा रहे थे, वो सारा आप निकाल दे रहे हैं। तो थोड़ा कंट्रोल में करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सीड करें, कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, कोई ड्रीम्स है, कोई गोल्स है, देन इसको थोड़ा लिमिट में करिए। हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है ये, हम ऐसे स्लाउच होके चलते रहते हैं, ऐसे हम ऐसे ही रहते हैं स्लाउच होके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, अगर आप भी उनमें से ऐसे हैं तो थोड़ा सा
इस पे काम करिए, अपने पोस्चर को थोड़ा सा सही करिए। इससे देखिए सामने वाले पे क्या इंप्रेशन जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप नर्वस हैं किसी चीज को लेके। और ये स्लाउच वाली जो दिक्कत है ना, ये जब से पैंडेमिक आया है तब से थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि एवरीबॉडी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा दिन हम ऐसे ही रहते हैं ना, ऐसे ही। तो कोशिश करिए कि इन बिटवीन योर वर्क्स, इन बिटवीन योर पढ़ाई, आप कुछ ये वाली मूवमेंट करें, ये पूरा अपने हाथ को ले जाके ऐसे पूरा इसको पीछे ले जाके ऐसे स्ट्रेच करें, पूरा खोलें आप, ठीक है। और अगर आपकी ये बहुत पहले से दिक्कत चली आ रही है और आपको लगता है सही नहीं हो रही है, तो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, आप उसको करना शुरू करिए। बेस्ट है वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, जिम अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। आपने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी जिम गोवर्स होते हैं उनका फिजिक तो अच्छा होता ही है, उनका पोस्चर भी हमेशा सही रहता है। आपने देखा होगा सब लोग बिल्कुल ऐसे करके चल रहे होते हैं। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है अगर आपको लगता है कि आप स्लाउच होके चलते हैं, आप स्लाउच ही आपका पोस्चर है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा गाइज, बहुत लोग इसको समझने में गलती कर देते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ लास्ट ईयर तक मैं कर रहा था, बट अब नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा है या बंदी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है लाइफ को लेकर, या उसके आने से आपको लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है। अब बहुत लोग कहेंगे ये पता कैसे चलता है कि वो नेगेटिव लोग कौन होते हैं। देखिए आप कुछ भी बात करते हैं ना, वो उस चीज़ में नेगेटिव ही लेके आते हैं, नो मैटर आप कौन सा टॉपिक छेड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको बोलेंगे कि यार मेरे को तो बाइक लेनी है, मेरे को तो वो बाइक पसंद है, तो इमीडिएटली उनका आएगा तुम ले सकते हो, तुम नहीं ले पाओगे, इतनी महंगी बाइक लेने का फायदा क्या है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो बोल देता है कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, तो सामने वाला कहता है तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ ही चंद लोग होते हैं। अगर तुम उसको कहते हो कि यार मुझे यहाँ घूमने जाना है, वो कहेगा पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, पैसा बचा के रखो, घूमने से क्या मिलेगा। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, जो इंसान, जो शख्स सिर्फ नेगेटिविटी की बात करता है, या जिसके आने से, जिसके होने से आपको लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है, आपका मेंटल पीस बिगड़ रहा है, इट्स हाई टाइम माई फ्रेंड, स्टे अवे फ्रॉम दोज नेगेटिव पीपल। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटल पीस बना रहे, आप जिंदगी में कुछ तरक्की कर पाएं, तो नेगेटिव लोगों से तो दूर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं निकल रहा हूँ इधर से, क्योंकि अपनी वीडियो हो गई है खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या अच्छा लगा आपको, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर डालिएगा, 400 लाइक का टारगेट है भाई, करवा डालिए। इंस्टाग्राम पे हूँ, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, कनेक्ट हो जाइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।